अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये मैं आज जो मेरा ग्रैंडसन आया हुआ है तो वो कहता है मुझे पिज़्ज़ा बना दूँगा ग्रैंडमा। मैं मशरूम, बेल पेपर, आनियन ये मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने क्या सामान तैयार कर लूँ, ये मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये मैंने नान का आटा तैयार किया है और ये मैं बेस बना रही हूँ। तो बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैं इसको हाफ कुक करूँगी पहले, फिर मैं इसको लगाऊंगी एक मसाला और चीज़। ये देखें मैंने ट्रे रखा हुआ है नीचे गर्म होने के लिए, ये ट्रे गर्म हो गया और मैं इसको बेस बनाती हूँ। बिग वन, ये मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ट्रे में बेस बना लिया है। तो इसको मैं हाफ कुक करूँगी तो फिर मैं उस पर ना मसाला डालूँगी और देख सकते हैं। बहुत ठीक बेस अच्छा मिले, थोड़ा सा थिन हो तो फिर अच्छा कुक होता है। ये देखें ये मेरा बेस तैयार हो गया, मैंने बना लिया। इसको मैं अवन में रखती हूँ और ये कुक है तो फिर उसके बाद इसको आप कुक कर लूँगी, फिर आपको सॉस लगाऊँगी तो फिर मैं इसको इधर माई मशरूम की करी आने मशरूम का भी थी पूरा बीमार अच्छे फ्राई हो गए। इसको आप कर देती हूँ और फिर मैं दरअसल एक और डिश बनाऊंगी कि हमने दो पिज्जे बनाने हैं आज। आप देख सकते हैं ये मैंने उसको रख दिया बेस में, और मैं अवन में रखूँगी, फिर मैं जब टॉपिंग लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके जी, ये मैंने सॉस खुद बनाई है, टमाटर थी थोड़ी सी, क्योंकि हम स्पाइसी डाल करते हैं, थोड़ी सी चिली गार्लिक इसमें डाल के तो ये मैंने सॉस बनाई है। ये देखिए आप देख सकते हैं, स्प्रेड कर दिया इसको दूर तक तो और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चीज़ डालूँगी, चीज़ के बाद फिर मैं मसाला डालूँगी, वो वेज जो है ना मशरूम आनियन सब ज़्यादा नहीं चीज़, थोड़ा सा चीज़ डालूँगी। ये देखें तो जैसे बेस बने हुए मिलते हैं ना, इसको ऐसे में बनाना है। ये वाला बिस्मिल्लाह, इसमें ये मसाला डालना है ऊपर मशरूम, तो ये जितना भी बना हुआ है इसमें मैंने थोड़ा सा कोफ्ते डाले हैं वेजिटेबल में, कीमा, तो उम्मीद है अच्छे बनेंगे। ये होगी टॉपिंग और इसमें चीज़ डालती हूँ ऊपर, तो
जब ये तैयार होगा तो कुक होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे मैं दूसरे पर डालूंगी क्योंकि मैंने दो बनाई हुई हैं। ये इसका ऊपर ऑरेगानो है, थोड़ा सा ऑरेगानो डाल देती हूँ, ड्राई ऑरेगानो। बिस्मिल्लाह बरकत। मैं इसको हवन में रखती हूँ। ये देखें मेरा पिज़्ज़ा टोकन तैयार है, इसको हवन में रखती हूँ। हाँ मैं दूसरे को लगाती हूँ। ये मेरा जी ये डन है, तैयार हो गई है, ये भी तैयार हो गया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ये मेरे पिज़्ज़ा तैयार है, आप घर बनाएं और साफ़ सुथरा खाएं। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे सब्सक्राइब करें और बताएं कैसा लगा।